कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई रोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। मैं सिमी को नहीं बता पाया गुरुजी, कि उससे प्यार करने लगा हूं मैं। प्यार करता हूं मैं, कैसे बता दूं अपने दिल की बात उसे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या जो जानते नहीं उसके बारे में सोचना कैसा और उससे डरना भी क्यों। लेकिन अभी जो जानते हैं उस पर तो पूरा कंट्रोल है ना हमारा, और उसे हम छुपा भी नहीं सकते। इतना आसान नहीं है मेरे लिए गुरुजी। सिमी से मिलने से पहले मैं आसानी से हर एक चीज को सही और गलत में समझ लेता था, लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि जो मैं पहले गलत समझता था वो सही भी हो सकता है। सिमी की जिंदगी में उलझनों की कमी नहीं है। मैं उसकी उलझन बढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, और नहीं तो क्या। सिमी से 8 साल छोटा हूं मैं, कुछ नहीं करता, सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं। जिंदगी में आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तय ही नहीं किया मैंने। ना करियर है, ना घर है, ना कोई फ्यूचर प्लान है। क्या है, सिर्फ एक जीप। उसमें तो सिमी के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता ना। किस बिना पे कल उसके पापा जी के सामने उसका हाथ मांगू। क्या गलत कह रहा हूं मैं, आप ही बताइए। कल तक मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज सिमी ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी खुशी तक कुर्बान कर सकती है वो। तो गुरुजी, क्या मैं सिमी के लिए अपना प्यार कुर्बान नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ये फैसला तुम्हारा अकेले का होना चाहिए। जो बात ना एक ने कही ना दूजे ने सुनी, उस पर फैसला कोई एक नहीं ले सकता। इसलिए भाभी जी हम बहू को गेम खिलाने जा रहे हैं। अब नहीं नहीं वो बहुत थकी हुई है अभी उसको। भाभी जी ये गेम भी रिवाज का हिस्सा होता है। मेरे भाई रहने दो बातें कम। चलो भाभी अरे देख लो जो भी करना है ना जल्दी करना। मैं चाहता हूँ कि अनीता थोड़ा आराम कर ले।
नहीं तो रात को उसको माइग्रेन शुरू हो जाए। हो गया, चलो अभी आ जा रही। लाओ भी लाओ, चलो शुरू करो। पहले गेम के रूल्स बता देते हैं। इस बर्तन में तीन चार चीजें रखी है हमने। एक चीज इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, दोनों में से जो पहले निकालेगा सारी जिंदगी उसका रिश्ते में पलड़ा भारी रहेगा। चलो शुरू करो। 1 2 3 ढूंढो। ठीक है सिमी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगा। चाबी, रिश्ते की चाबी। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस रिश्ते की चाबी अनीता के ही हाथ लगने वाली है। अच्छा अब सब हो गया ना, चले। अरे एक मिनट बैठे रहो। ऐसे नहीं, पहले हम भाभी को कमरे में लेकर जाएंगे फिर आप आओगे पीछे पीछे। चलो भाभी। हाँ वही कर रही हूँ। पहना है ना तुमने, तो इसीलिए तुम चेंज कर लो। चेंज तो कर ही लूंगी अनुज, पर एसी भी तो नहीं है। तुम्हारा कमरा कुछ ज्यादा ही गर्म है, एसी तो लगवाना चाहिए था ना। मालूम है मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। मैं एक मिनट में आता हूँ। हो जाएगा। आप मिलिए आराम से। डॉली अब चलें? हाँ अब तो हमें चलना ही चाहिए। अरे अच्छा भाभी जी, अच्छा अच्छा भाई साहब। अच्छा जी नमस्ते।
रखा कब? नीतू पानी पिला दे। अच्छा चल शरबत बना दे। मिली माँ के लिए शरबत बना दे। नीतू कर क्या रही है तू? हाँ फोन डेड हो गया, चार्जर ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किसी ने कहाँ रख दिया है। किसका फोन आने वाला है तुझे? और सुन तू रहती कहाँ है आजकल? पिछले दो दिन से कहाँ थी तू? घर में तो दिखी नहीं, कहाँ गई थी? मैं सिमी और अनुज को लेके उलझी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझ में मेरी नजर नहीं थी, समझी? प्लीज माँ मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ, यानी पीने की जगह उसे कहीं फेंक आई हूँ छुपा कर। अच्छा चुप कर, बैठ जरा कर। माँ चार्जर तो मैंने बोला ना, आ जा बिल्कुल बैठ जा यहाँ पे, मुझे कोई धमा चौकड़ी नहीं चाहिए अपने सर पे। थम्मड़ थम्मड़ इधर से उधर तक। कम से कम आज के दिन तो स्मूथ बेडशीट यूज कर दे, ये मोटे कॉटन की बेडशीट बहुत रफ और चीप लगती है ना। कमरा कैसे सजा रखा है, सिल्क बेडशीट ही डाल देते। ये तो नीतू और मिली का आइडिया था। अब तुम आ गई हो तो जैसा चाहो इस कमरे को वैसे ही बना देना। एक मिनट अनुज, मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहती हूँ। मैं अपनी सौहागरात इस कमरे में नहीं मनाना चाहती। इट्स नॉट माय स्टाइल यू नो, मैं इतनी आसानी से अपने एक्सपेक्टेशंस पानी में नहीं बहाने वाली। अनीता, अनुज, डैड हमारी हनीमून की बुकिंग मॉरिशस में करा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया ये कहकर कि तुम मुझे सिंगापुर ले जाओगे। अब तुम अपने डेट के हिसाब से टिकट्स बुक कर दोगे? मैं अपनी मैरिड लाइफ की पहली रात तुम्हारे साथ सिंगापुर में मनाना चाहती हूँ। आई होप तुम इस रूम के बारे में कुछ करोगे, इस हाल में तो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। एक और दिन खत्म हुआ जिंदगी का। हाँ तो ठीक है ना, आपके बेटे की शादी हो गई, बहू घर आ गई, सब कुछ खुशी खुशी हो गया, तो बोलो माता रानी की जय। अब बोलने को तो गुरु जी ने बोला था, आज शाम तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, विश्वास जगाती आंखें, भरोसा दिलाती आंखें। मंजू जी, आपका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। जब देखो अपना विश्वास इसके चार्जर की तरह यहां वहां रख देती हूँ। मां मैं थक गई हूँ, मैं लेटने जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। याद कर रहा है इस वक्त। हेलो जी, नमस्ते, मैं अनुषा बोल रही हूँ। नमस्ते जी। वो जी अनुज और अनीता तो कमरे में है, बहुत थक गए थे बेचारे। नहीं नहीं, मैंने आपसे बात करने के लिए ही फोन किया था। क्या है कि शादी में सिमी को हमारे कुछ जान पहचान वालों ने देखा था, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनका एक भतीजा है। अच्छा जी, वो जी उम्र क्या होगी लड़के की? मतलब इतना लगता तो नहीं है, मगर 32 का होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। जी उम्र एकदम सही है, वो क्या है ना जी, लड़के और लड़की की उम्र में 4 साल का फर्क तो होना ही चाहिए। वो लड़की अगर लड़के से थोड़ी छोटी हो ना जी, तो आगे जी जी जी, तो वो आपको कल परसों में कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट। अनिता की माँ का फोन था, उनके किसी जानने वाले को हमारी सिमी पसंद आ गई है,
वो अपने भतीजे के लिए इसे देखना चाहते हैं। वाह, मतलब गुरुजी की बात सही निकली ना? मैं जानती थी उनका कहां सच होगा ही। अनुषा, क्या जरूरत थी बीच में बेकार रिश्ते कराने की, उनकी जिंदगी में दखल देना? क्या जरूरत पड़ी तुम्हें बीच में पड़ने की? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ, और फिर कोई ऐसा वैसा रिश्ता भी नहीं सजेस्ट कर रही मैं। नकुल सिंह डागर बहुत अच्छा है, सेठीज की उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है वो। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस घर में जाकर अपनी सास के साथ साथ एक 30 साल की अनमैरिड ननद को भी झेले। सिमी दी, क्या हुआ है दी? आप इतने अपसेट क्यों दी? अच्छा, शादी में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको किसी का इंतजार है। वो आने वाला था क्या वहां? बताओ ना दी, वो आने वाला था क्या? कौन आने वाला था मिली? सिमी दी, दी आप गुस्सा क्यों आ रहे हो? अरे मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। आपको उसी का इंतजार था ना जिसे आप चाहने लगे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिंदगी में पहली बार आपने खुद अपने लिए कुछ चाहा, और इसमें कुछ गलत नहीं। तो फिर क्यों, क्यों दी आप क्यों इस मौके को अपने हाथ से जान लेना चाहते हो? एटलीस्ट आपको अपनी फीलिंग्स तो उसे बतानी चाहिए। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। है, और मुझे दिखाई दे रही है। दीप, इससे पहले कि कोई और राजीव भल्ला आपकी जिंदगी में आए, उसे बता दो। कभी कभी दिल जो कहता है उसे करना चाहिए। खुद को एक मौका देकर तो देखो। हेलो सिमी, क्या वो क्या था जो वहां तुम शादी पे ना कह पाए? सिमी, मैं एक्चुअली पता नहीं कहना चाहता था, लेकिन देखो अभी अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? फोन तो तुमने किया है ना? हाँ, लेकिन पहले तो तुमने मुझे फोन किया था ना, और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। हाँ तो नहीं बता पाया यार। क्या अभी? वैसे मेरी जिंदगी में उलझनों की कमी नहीं है, तुम उन्हें और क्यों बढ़ा रहे हो? जब तक तुमसे नहीं मिली थी मुझे पता ही नहीं था कि किसी को क्या कुछ नहीं। तुम क्या सुनना चाहते हो अभी? I love you, Simi.
सिमी, I love you, Simi.